जय माँ काली भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल वशिकरण टोटका, जिसकी मदद से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं या अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। इस वशिकरण टोटके का एक ही मकसद है, आपके दुश्मन को खत्म करना। यह टोटका बहुत ही सरल है, इसकी मदद से आप अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। क्या आप अपने दुश्मन से परेशान हो चुके हैं? क्या आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन पागल हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं दुश्मन पागलखाने की जंजीरों में बंद हो जाए? तो इस टोटके की मदद से आप अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। हमारे कमेंट में कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि यह सब करना उचित नहीं है, लेकिन उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे शत्रु रूप में उत्पन्न हो चुके हैं, उनका छुपाया होना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे उसे हम पागल कर दें, चाहे उसे हम इस दुनिया से हटा दें, कुछ भी हो, लेकिन दुश्मन जिंदगी में रहना कतई ही उचित नहीं है। चाहे वो किसी व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे वो किसी देश या विदेश के हो। जैसे कि हर देश का कोई ना कोई दुश्मन होता है, तो उसे वो खत्म करना ही उचित समझ सकता है। तो उसी प्रकार कि किसी व्यक्ति के जीवन अगर कोई दुश्मन है, तो उसे हटा देना ही उचित होता है। लेकिन साथ में अगर यह भी बात बता देता हूँ, जो मैंने टोटके आपको उपलब्ध कराए हैं, यह टोटके आप उसी स्थिति में उपयोग करें, चाहे वो कोई भी टोटका। उसी टोटके को लेकर मैं आपको यह बात नहीं बता रहा हूँ, सभी टोटके के लिए यह बात लागू होती है। आप ये टोटका तभी करो जब किसी दुश्मन ने आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से परेशान किया हो, या फिर आपको किसी शारीरिक रूप से पीड़ित किया हो, या फिर मानसिक रूप से पीड़ित करता हो, तभी आप इस टोटके का उपयोग करें, तभी आप ये टोटका सफल कर पाएंगे। जब भी आप टोटका करें, तो अपना जो करार है, यानी कि जिस उद्देश्य से आप ये टोटका कर रहे हो, उसको मन में ध्यान करके ही ये टोटका करें, अन्यथा आपको ये टोटका कोई फल देने वाला नहीं होगा। आप किस उद्देश्य से उसे ये बदला लेना चाहते हैं, उस उद्देश्य से आप मन में ध्यान करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ दुश्मन का नाश करने का है टोटका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टोटका जो दुश्मन को पागल कर देगा। इस टोटके को करने के लिए आपको एक बड़ी इलायची की आवश्यकता होगी। सबसे पहले इस इलायची को आपको लेना है। अब इलायची को अपने दाएं हाथ में लेकर दिए गए मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम क्रीम फट क्रीम क्रू क्रू स्वाहा। आपकी सुविधा के लिए फिर से मंत्र दोहराता हूँ, ओम क्री क्री फट क्री क्रू क्रू स्वाहा। अब इलायची को पिंपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। ऐसा करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपका दुश्मन पागल हो जाएगा या इस दुनिया से चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन पागल हो, तो मंत्र जाप करने से पहले आप इसी बात पर ध्यान करें कि आपका दुश्मन पागल हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन पागल ना होकर वो बीमार हो जाए, तो मंत्र धारण करने से पहले, यानी कि मंत्र उच्चारण करने से पहले, आप इसी बात का ध्यान मन में लाएं कि वो मेरा दुश्मन बीमार हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन पूरी तरह से हट जाए, तो उसी बात का ध्यान मन में लाते हुए अपने इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। इसे करते ही आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसे तो हमने आपको टोटके में सारी बातें बताई हैं, उसके बावजूद अगर आप टोटका करते हो और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट गुरुजी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी के नंबर आपको वीडियो में दिए गए हैं, वहाँ से आप गुरुजी का नंबर लेके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो।